मौजूद है डॉक्टर शेफ प्रेम राम, तो उनसे जानेंगे कि आईसीएफ के साथ जुड़ के उन्हें कैसा लग रहा है और किस तरह का उनका फीलिंग्स है अभी। सर आपका फीलिंग्स क्या है आईसीएफ के लिए? जी, आईसीएफ इज इंडियन कल्नरी फोरम, तो एक शेफ एसोसिएशन जो मेरा पैशन है। सो आई एम ऑल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। सो कल्नरी प्लस एजुकेशन, दोनों मिलके कल्नरी एजुकेशन एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो लर्निंग बहुत मिलती है कि इंडस्ट्री के लोग से इंटरेक्ट करते हैं और वही हम बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कारण कॉलेज और ग्रो करता है। तो सर आप जब बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों के जब हम सिखाते हैं तो बच्चों के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? जब ये होटल मैनेजमेंट में उनका जब कदम रखते हैं तो उनके लिए पहला स्टेप क्या होता है, क्या चीज़ उनको जानना पड़ता है? देखो, जब कोई भी नया बच्चा कॉलेज ज्वाइन करता है, सबसे पहले उसका मन में रहता है शेफ़ बनना। वो सोचता है शेफ़ बने, कैसे बने, और हर कोई चाहता है कि वो एक दिन में ही सब कुछ सीख जाए। तो धीरे धीरे उन्हें समझाया जाता है कि हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए। किचन एक ऐसा फील्ड है जहाँ प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर वो बच्चे धीरे धीरे उनको समझ में आते हैं, फिर हम जब कंपटीशन देखते हैं, जज करते हैं, तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है वो हम देखते हैं और बच्चों को उससे अपडेट करते हैं, जिसके कारण उन्हें वो समझ में आए कि अभी क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे सर्व बनाना चाहिए हमें, कैसे प्लेटिंग करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत काम की आती हैं बच्चों के लिए। ओके सर, सर आपसे एक यूनिक सा क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर होता है जब हम लोग खाना बनाते हैं, खाना में सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, राइट? तो उसको फिर से टेस्टी या उस चीज़ को फिर से ठीक करने के लिए क्या टेक्निक हम यूज़ करेंगे? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या टेक्निक है, क्या आप एक शेफ़ हो तो उसको बेटर बता सकते हो। देखिए, अगर सबसे पहली बात तो अगर खाना में नमक ज़्यादा है तो नमक किस चीज़ में ज़्यादा है वो डिपेंड करता है। अगर आप दाल की बातें कर रहे हैं या किसी और में बातें कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं नमक कम करने के। एक तो होता है कि आप उसमें थोड़ा स्पाइस और ऐड करते हैं, मिर्ची थोड़ा ऐड करिए, थोड़ा ऐड करने के बाद आपने थोड़े इसमें दही ऐड की, किस चीज़ की बन रही है। या सिंपल तरीका होता था, आप आटे के गोले बनाइए, उसको उसमें डाल दीजिए, और जब दाल बना रहे हैं कुछ तो तब भी वो चीज़ें उस सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हाँ जी, तो सर से हमने बहुत अच्छा चीज़ जाना है कि किस तरह से, क्योंकि हर किसी का एक माइंड में रह जाता है अच्छा ये ख़राब हो गया, हम फेंक देते हैं, खाने के लायक नहीं होता। तो सर आप जब स्टडी करते हो या लर्न करवाते हो या खुद भी नया चीज़ लर्न करते हो, तो सबसे बेसिक आप क्या ध्यान में रखते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला खाना वेस्ट हो जाता है, खाना कभी वेस्ट नहीं होता है। एक टर्म ही हम लोग बोलते हैं रीशॉफे, रीहीटिंग, रीयूज़। हमें पता है कि कैसे कोई भी चीज़, क्योंकि आपने देखा होगा कि खाने ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कभी ज़्यादा वेस्टेज करना चाहिए। तो अगर हम स्केरसिटी की बातें करते हैं, कैसे खाने को बचाना है, अगर मेरे राइस बन जाता है, घर में भी होता है, अगर राइस बन गया, आप फ्राइड राइस बना लेती हैं, आप राइस बॉल बना लेती हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा खाना कितने समय तक चल सकता है, कैसे वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खाने को एक इनोवेटिव तरीके से उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में समझोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी खाना बर्बाद आप कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो अन्नपूर्णा जो हमारे कल्चर में बताया गया वो बहुत ज़रूरी है। तो सर सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि इंडियन फूड कल्चर को अभी हर जगह अपनाया जा रहा है, तो इस हिस्ट्री को बचा के रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नया तरीका ला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बोलते हैं शुरुआत घर से होनी चाहिए, घर के बाद अपने एरिया में होनी चाहिए। तो ऐसे हम होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में, जैसे गवर्नमेंट भी इस साल मिलेट ईयर बना रहे हैं, तो जो चीज़ एक टाइम पे लोग बोला करते थे कि ये पुराना खाना है, गरीबी का खाना है, वापस वही सारी चीज़ें, जैसे चोकर आप बोल जानते हो, गेहूं में होता था, लोग छान के पहले फेंक देते थे, अब लोग सब वो खा रहे हैं। मतलब पहले रिफाइन थे, अब रिफाइन से अब नेचुरल फॉर्म में जा रहे हैं। तो खाना वैसा हो जो सस्टेन कर सको, जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, तो वो चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कि खाना ऐसे नहीं कि स्वाद के लिए खाओ, बोलते हैं ना कि खाना जीने के लिए खाओ, और लेकिन जीने के साथ साथ को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। सर और एक ये सवाल है कि जब हम लोग वैरायटी यूज़ करते हैं, तो आज के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं, या क्या अभी लोग पसंद ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग हर रोज़ नया नया डिशेज़ बनाते हो, तो आपको पता रहेगा कि क्या डिश लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए, डिशेज़ जो बनती हैं वो किसके हिसाब से बनती, मैं पहले ही कहा था ट्रेंड। हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ नहीं आती ना तो हम उसके पीछे भाग जाते हैं, और किसने बताया ये हेल्थ के लिए अच्छा है तो सब उसके पीछे भाग रहे हैं, और हर कोई वही चीज़ यूज़ करता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद मालूम होता है कि यार ये चीज़ें कि ये नुकसान है, इसके ये फ़ायदे हैं। इसीलिए क्या है, अगर आप अपने रूट से कनेक्टेड हो, आप अपने ट्रेडिशन से कनेक्टेड हो, तो आपको कभी भी खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आप दिल्ली में रहते हुए और बोलते हैं मैं साउथ की रहने वाली हूँ और यहाँ भी आप वही सांभर और वही सारी चीज़ें उसी तरीके से खाओगे, तो आपको जरूरी है क्योंकि वो जो खाना बना गया है वहाँ के अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक बना है। इसका मतलब वो वहाँ के रीजन के लिए अच्छा है, वहाँ के क्लाइमेट के लिए अच्छा है। अगर आप साउथ का खाना नॉर्थ में आके खा रहे हो एक दिन दो दिन, अब रोज़ वही खाओगे ऑब्वियस आप बीमार पड़ोगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि खाना जो होता है जगह के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से होता है। सर हम देखते हैं कि कभी कभी हम ऑयली फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ अलग सा फीलिंग होता है जैसे कि वोमिटिंग जैसा, तो उस ये कब होता है जो हम लोग बोलते हैं कि ऑयली फूड हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो ये कब फील होता है हमें? देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। अगर आप ऑयली फूड खाते हैं, आप एक दिन खाइए दो दिन खाइए, आपको बाहर का खाना अच्छा लगेगा। हम लोग शेफ़ हैं, हम लोग हमेशा घर जाके वही सिंपल सी रोटी है वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं घर वाले लोग उनका मन करता है पार्टी में जाएं, ये भी खाएं वो भी खाएं। आप कोई भी चीज़ एक दिन दो दिन ऐसे जो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप कंटिन्यू में खाओगे तो हेल्थ को इफेक्ट होता है। जितने भी प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं उन सब में क्या होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेबलाइजर्स और कुछ ना कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं जो कहीं ना कहीं रोज़ के यूज़ में हमारे लिए हानिकारक है। तो इसीलिए हमें खाने को फ्रेश खाना खाओ, फ्रेश ग्रोथ हो और ज़्यादा उसमें मसाले ना हो, यही डिफरेंस है हमारे यूरोपियन क्यूजिन में हमारे क्यूजिन में। वहाँ पे आप खाना देखोगे उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होगा, ज़्यादा मसाले नहीं होंगे, और हमारे खाने में क्या है हम बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारा घी मक्खन सब डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है खाने का नेचुरल टेस्ट चला जाता है। जो हमने मसाले डाले, जो घी डाला, हमें उसी का टेस्ट मिलता है, बहुत मज़ा आया। तो जो हमारे हम सर कस्टमर को खुश करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं कि आपका कस्टमर खुश रहे और आपकी डिश को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए कस्टमर को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कस्टमर की पसंद को समझिए, दूसरे उसके मेंटल हेल्थ और उसके फिजिकल हेल्थ को समझिए। उसी के हिसाब से अगर हम जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको बोलेंगे कि रोटी खा लो तो उसको पसंद नहीं आएगा, उसी रोटी को आपने अलग अलग, आप उसको पिज़्ज़ा के फॉर्म में या कोई रोल के फॉर्म में बना देंगे, है तो वही रोटी सब्जी लेकिन अलग अलग फॉर्म में देने के बाद वो उसको लाइक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा आपको चाहिए अगर वो वैसा मैंने आपको दे दिया और हेल्थ दिमाग में रखा तो अल्टीमेटली आपको वो चीज़ जरूर पसंद आएगी। तो आपने ऐसा लाइफ में कभी फेस किया कि आपने कुछ बनाया वो डिश कस्टमर को पसंद नहीं आया हो और आपको बोला है कि दूसरा वैसा कुछ वैरायटी बना के लाइए? नहीं देखिए ऐसे तो नहीं हुआ। एक बार मैं आईने में फूड फेस्टिवल कर रहा था, उड़िया फूड फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के दौरान क्या था कि मैं कुक तो सारी चीज़ें करता हूँ लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ नॉनवेज फूड नहीं करता, मैं वेजिटेरियन फूड प्रीफर करता हूँ खाना। तो मैंने एक बार मीट करी बनाई थी, बहुत अच्छी थी, कलर वाल सबको अच्छा था, लोगों को टेस्ट कराए, सबको बहुत पसंद आया। लेकिन जब पहले बार कस्टमर ने खाया तो बोले इसमें नमक ज़्यादा है, और नमक ज़्यादा होने का तो मुझे मालूम पड़ा नमक ज़्यादा है तो क्या करूँ, है ना। तो मैंने सबसे कहा था, तो मेरे पास साइड में मुझे इमली दिखाई दी, मैंने इमली को घोला और उसमें मिक्स करके डाला, तो वो जो टेस्ट है वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला ये तो हमारे गांव का खाना है। ऐसे मतलब मेरी वो मुझे पता नहीं था, मेरा इंटेंशन क्या था उस नमक को कम करना, और उस इमली के उससे क्या हो गया उनको अपने गांव का टेस्ट बदल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभी जितने भी खाने होते हैं ऐसे डिस्कवर होते हैं, कुछ बच जाती है, आपने कुछ किया दूसरे को पसंद आ गया तो वो उसको रेगुलर रूप में लेके आता है, वैरायटी मिल जाता है हमें खाने के साथ साथ। तो सर ICF के लिए आपने क्या ट्राई किया या क्या यहाँ पे रखा है अपना? देखिए ICF में क्या है, मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पे हूँ, तो मेरे जो मेन है एजुकेशन के ऊपर, जैसे आप सब ये शेफ समिट देख रही होंगी, नॉलेज समिट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ भी क्या है अलग अलग पैनल डिस्कशन हो रहे हैं जहाँ पे हम इमेजिंग हेल्दी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे कैसे हमारा फ्यूचर और हेल्दी हुए उसके ऊपर अलग अलग पैनल डिस्कशन हो रहे हैं। तो मैं इसमें जो है ऑर्गेनाइजिंग एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ इस समिट के लिए। ऐसे ही अलग अलग हम लोग सेमिनार, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं अपने लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं बडिंग शेफ्स हैं वो भी देखें और लोग भी देखें, और उनको हेल्थ के साथ कैसे हमारे खाने को सस्टेन रखना है। इसलिए आजकल जो लोग मैक्सिमम फूड कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रेडिशनल फूड पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ बताया है कि किस तरह से हम अपने घर के खाना को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अभी सर से जान चुके हैं कि अगर हमारे खाना में नमक ज़्यादा हो तो किस तरह से हम उसका टेस्ट बदल सकते हैं और वही सेम टेस्ट में ला सकते हैं या तो उसमें और ज़्यादा बेटर बना सकते। तो बहुत शुक्रिया सर ये चीज़ बताने के लिए, क्योंकि घर में सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, बच्चे भी और आजकल के सब लोग खुद ट्राई करते हैं बहुत सारा वैरायटी। तो बहुत थैंक यू सर आपको बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।